नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा यादव। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान के हर एग्जाम के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो है। स्पेशली सेकंड ग्रेड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया गया है। शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। हमने पहला पार्ट इसका कवर कर लिया है, आज हम इसका दूसरा पार्ट कवर कर रहे हैं। पहला समाचार पत्र प्रताप। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित किया था और इसको प्रकाशित करने वाले थे श्री गणेशंकर विद्यार्थी और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि प्रताप समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित किया गया? यह कानपुर से प्रकाशित किया गया। किसने प्रकाशित किया? श्री गणेशंकर विद्यार्थी ने। और ये कैसा समाचार पत्र था? यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। नंबर दो, सेकंड समाचार पत्र राजपूताना गजट। राजपूताना गजट का 1882 में अजमेर से प्रकाशित किया और इसको किसने प्रकाशित किया? मौलवी मुराद अली बीमार ने प्रकाशित किया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि राजपूताना गजट कब प्रकाशित किया गया? 1882 में। किस कहाँ से प्रकाशित किया गया? अजमेर से। और किसने प्रकाशित किया? मौलवी मुराद अली बीमार। तो कैसे याद करेंगे दोस्तों इसको कि गजट बीमार है? तो गजट से राजपूताना गजट और बीमार से मौलवी मुराद अली बीमार। नेक्स्ट, अगला समाचार पत्र राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी समाचार पत्र 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसके संपादक राम नारायण चौधरी थे और इसमें वित्तीय सहायता जमनालाल बजाज ने दी थी। तो दोस्तों, पूछा जा सकता है कि राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब हुआ? 1920। कहाँ से हुआ? वर्धा महाराष्ट्र। और किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक को राष्ट्रीय पथिक भी कहा जाता है। विजय सिंह पथिक का जन्म बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के गुठावली गांव में हुआ था। नेक्स्ट, अगला समाचार पत्र प्रजा सेवक। प्रजा सेवक समाचार पत्र जोधपुर से प्रकाशित किया गया था और ये किसने प्रकाशित किया था? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। और यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि प्रजा सेवक समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? जोधपुर से। और किसने प्रकाशित किया? अचलेश्वर प्रसाद शर्मा। और ये कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक। दोस्तों, नेक्स्ट समाचार पत्र अखंड भारत। अखंड भारत का प्रकाशन बंबई से किया गया था और इसका प्रकाशन किसने किया था? इसका प्रकाशन जयनारायण व्यास ने किया था। नेक्स्ट, अगला समाचार पत्र नवज्योति और दैनिक ज्योति। नवज्योति और दैनिक ज्योति समाचार पत्र 1936 में अजमेर से प्रकाशित किए गए थे और यह राम नारायण चौधरी ने प्रकाशित किए थे और यह भी साप्ताहिक समाचार पत्र था। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि नवज्योति और दैनिक ज्योति समाचार पत्र किसने प्रकाशित किए थे? ये 1936 में अजमेर से राम नारायण चौधरी ने प्रकाशित किए थे और ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट समाचार पत्र राजस्थान समाचार। राजस्थान समाचार का प्रकाशन 1889 में अजमेर से मुंशी समर्थदान ने प्रकाशित किया था और ये प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि प्रथम दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? राजस्थान समाचार। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? अजमेर से। और कब प्रकाशित किया हुआ था? 1889 में। नेक्स्ट, नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान। नवीन राजस्थान एवं तरुण राजस्थान का प्रकाशन 1921 में
अजमेर से किया गया था और इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया था। दोस्तों, नवीन राजस्थान नाम से आरंभ किया गया, तत्पश्चात इसका नाम तरुण राजस्थान रखा गया। नेक्स्ट, आगीबाण। आगीबाण का प्रकाशन 1932 में जयनारायण व्यास ने किया। यह आगीबाण या अग्निबाण राजस्थानी भाषा का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, राजस्थानी भाषा का प्रथम दैनिक राजनीतिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट, भारत तिलक। भारत तिलक नामक समाचार पत्र बाबा नरहरि दास ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट, अगला समाचार पत्र राजस्थान टाइम्स। राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन जयपुर से किया गया और वासुदेव शर्मा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया और यह अंग्रेजी में इसका प्रकाशन किया। तो दोस्तों, राजस्थान टाइम, यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान टाइम का प्रकाशन कौन सी भाषा में किया गया? अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया। कहाँ से किया गया? जयपुर से। और किसने प्रकाशित किया? वासुदेव शर्मा ने। नेक्स्ट, राजस्थान। राजस्थान समाचार पत्र 1923 में ब्यावर अजमेर से ऋषिदत्त मेहता ने प्रकाशित किया। तो यह पूछा जा सकता है राजस्थान समाचार किसने प्रकाशित किया? ब्यावर अजमेर से ऋषिदत्त मेहता ने 1923 में प्रकाशित किया। नेक्स्ट, सज्जन कीर्ति सुधाकर। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1876 में महाराणा सज्जन सिंह के समय में प्रकाशित हुआ और यह महाराणा सज्जन सिंह ने अपने नाम से प्रकाशित किया। यह राजस्थान का पहला साप्ताहिक अखबार था। नेक्स्ट, लोकवाणी। लोकवाणी समाचार पत्र 1943 में जयपुर से पंडित देवी शंकर तिवारी ने प्रकाशित किया। तो कैसे याद करेंगे? लोक देवी को याद करेंगे तो लोक से लोकवाणी और देवी से देवी शंकर तिवारी, यानी लोकवाणी समाचार पत्र को देवी शंकर तिवारी ने प्रकाशित किया और उन्होंने 1943 में इसे जयपुर से प्रकाशित किया। नेक्स्ट, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासक पुस्तक अजमेर से माणिकलाल वर्मा ने लिखी। इसके माध्यम से वर्मा ने मेवाड़ के शासन की बड़ी आलोचना की। नेक्स्ट, देश हितैषणी समाचार पत्र मुन्नालाल शर्मा के द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट समाचार पत्र प्रताप। दोस्तों, प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन, इसका संपादन श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में बड़ी चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, नवज्योति। नवज्योति समाचार पत्र, इसका संपादन श्री रामनारायण चौधरी द्वारा 1936 में अजमेर में से किया गया और यह प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक पत्र था। नेक्स्ट, आगीबाण या अग्निबाण। आगीबाण का दूसरा नाम अग्निबाण भी था। आगीबाण या अग्निबाण का संपादन श्री जयनारायण व्यास द्वारा ब्यावर अजमेर से सन 1932 में राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, जिसमें मारवाड़ी जनता में राजनीतिक चेतना लाने हेतु इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट, जयभूमि। जयभूमि समाचार पत्र का संपादन श्री गुलाबचंद काला द्वारा सितंबर 1940 में जयपुर से इसका प्रकाशन किया गया। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जयभूमि समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से किया गया? जयपुर से किया गया। कब किया गया? 1940 में। और किसने किया? श्री गुलाबचंद काला द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट समाचार पत्र प्रताप। प्रताप समाचार पत्र कानपुर से 1910 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि प्रताप समाचार पत्र कहाँ से और कब प्रकाशित किया? यह समाचार पत्र कानपुर से 1910 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इस समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन की घटना को प्रकाशित किया गया था
और इसे बिजोलिया किसान आंदोलन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य इसी समाचार पत्र ने किया था। नेक्स्ट, राजपूताना गजट। राजपूताना गजट का प्रकाशन 1835 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। मौलवी मुराद अली इस बीमार मौलवी मुराद अली बीमार इसके प्रकाशक थे। नेक्स्ट, नवज्योति। नवज्योति समाचार पत्र अजमेर से 1936 में प्रकाशित हुआ। इस समाचार पत्र का प्रकाशन दुर्गा कप्तान दुर्गा प्रसाद ने किया। नेक्स्ट, आगिवाण या अग्निवाण। देखो दोस्तों, ये दोबारा रिपीट हुआ है, आगिवाण या अग्निवाण राजस्थानी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, जिसका प्रकाशन जयनारायण व्यासे 1932 में ब्यावर अजमेर से किया था। नेक्स्ट, अखंड भारत। अखंड भारत का प्रकाशन बंबई से 1936 में जयनारायण व्यास ने प्रकाशित किया था। तो दोस्तों, आगिवाण या अग्निवाण, अखंड भारत और पीप नामक समाचार पत्र भी जयनारायण व्यास ने प्रकाशित किया था। ये तीनों समाचार पत्र जयनारायण व्यास के थे। आगिवाण, अखंड भारत और पीप, तीनों समाचार पत्र जयनारायण व्यास ने प्रकाशित किए। नेक्स्ट, ओदुम्बर और नवजीवन। ओदुम्बर और नवजीवन ये दोनों समाचार पत्र अजमेर से हरिभाव उपाध्याय द्वारा 1936 में प्रकाशित किए गए। तो दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि ओदुम्बर और नवजीवन अजमेर से कब प्रकाशित हुए, ये 1936 में, और किसने प्रकाशित किए, हरिभाव उपाध्याय ने 1936 में प्रकाशित किए। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।